माफिया डॉन अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है और उनकी पत्नी पुलिस से जान बचाकर भाग रही है। कई दिनों से ये लुका छिपी का खेल चल रहा है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? दोस्तों, ऐसी कौन सी घटना हुई कि शाइस्ता परवीन को जान बचाकर भागना पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी शाम को बसपा विधायक राजू पाल के गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। इसमें 2 पुलिस कर्मी भी शहीद हुए। घटना की जांच के बाद अतीक अहमद के गुर्गो और उनकी पत्नी को इस हत्याकांड में संलिप्त पाया गया। इस हत्याकांड में शामिल कई गुंडों का एनकाउंटर हो गया है। कुछ अपराधी जो पुलिस की पकड़ से दूर है उसमें माफिया डॉन अतीक अहमद और उसकी पत्नी और बेटे का नाम शामिल पाया गया। अतीक अहमद को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और वह जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे फरार हैं। पुलिस धरपकड़ की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस हत्याकांड में शाइस्ता परवीन का हाथ माना जा रहा है। शाइस्ता परवीन के पति सालों से उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के इलाकों में अत्याचार कर रहे थे। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से उत्तर प्रदेश के अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है, उसमें अतीक अहमद भी शामिल है। दोस्तों, अतीक अहमद के खिलाफ गवाही देने वाले उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गयी। पुलिस के अनुसार ये हत्या अतीक अहमद के गुर्गो ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर की और शाइस्ता परवीन को इस मामले में नामजद किया गया। काफी कोशिशों के बाद जब शाइस्ता परवीन का पता ना चला तो पुलिस ने इन पर 25,000 का इनाम रख दिया। प्रयागराज हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। वही मामले के मुख्य आरोपी अतीक अहमद एंड फैमिली पर योगी सरकार कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बड़ा इनाम रख दिया है। पहले पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 रखी थी, लेकिन काफी दबिशों के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने इनाम की राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया। दोस्तों, बता दें कि शाइस्ता परवीन के वकील ने उनकी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाली है, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शाइस्ता परवीन के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और यही नहीं, अतीक अहमद के बेटे असद पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वह भी उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी है। सीसीटीवी कैमरा में उसे गोली चलाते हुए देखा गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और उस पर भी 5,00,000 का इनाम रखा गया है। दोस्तों, अतीक अहमद के पूरे परिवार को उसके किए गए अपराध की सजा मिल रही है। परिवार के सारे सदस्य उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का भी इसमें हाथ पाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों को भगाने में आयशा नूरी ने मदद की। पुलिस ने आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है और इन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इनके पति डॉक्टर अखलाक को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था। जब से शाइस्ता परवीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तब से उनके राजनीतिक करियर पर संकट आना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज से मेयर का चुनाव बसपा की सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी से हाथ खींच लेने का प्लान बनाया है और उन्हें पार्टी से भी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। राजनीतिक लोगों के बीच चर्चा है कि क्या बसपा चीफ मायावती शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी या नहीं। आइए आगे जानते हैं। अतीक अहमद के परिवार पर कुछ महीनों से संकट के बादल छाए हुए हैं। पुलिस जल्द ही अतीक अहमद के बेटों और पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर सकती है। धरपकड़ तेज हो गई है। जल्दी गिरफ्तारी हो इसके लिए इनाम को दोगुना कर दिया गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह शूटर शाबिर के साथ दिख रही हैं और उनके साथ अतीक अहमद समूह के कुछ गुर्गे भी हैं। अतीक अहमद का आधा परिवार उमेश पाल हत्याकांड के पहले से ही जेल में बंद है। अब बचे लोगों के भी जल्द जेल जाने की नौबत आ गई है। प्रयागराज पुलिस प्रशासन के अनुसार जल्दी ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस तरह की अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल चेतना मंच को सब्सक्राइब कर लें।